Good morning, students. Today's our topic is Michelson interferometer. Michelson interferometer is the experiment which is based on the principle of interference. As we all know that when two waves of uh, approx same frequency or same amplitude and, and uh, having a constant phase difference, moving in the same direction, they will superimpose to each other and uh, form a different pattern. This pattern is called as interference pattern, and the whole procedure is called as interference. this is the definition of interference which is the most important principle behind the Michelson interferometer. now come to a topic. this is the experimental setup of Michelson interferometer. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि experimental setup के लिए हमें क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे लगती हैं तो सबसे पहले आ, हम जो सबसे important है वो light source जिसकी help से हम interference कराने वाले हैं तो this is the monochromatic light source. इसके अलावा हम यहाँ पर दो मिरर यूज़ करते हैं दिस वन मिरर एम वन एंड मिरर एम टू दिस आर द टू मिरर्स मिरर की पोजीशन जब हम मिरर का सेटअप करते हैं तो उसकी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हम उसका सेटअप कैसा किया है क्योंकि इन दोनों मिरर की पोजीशन से ही डिसाइड होता है कि हमारी फ्रिंजस कैसे बनने वाली हैं तो जो मिरर एम वन है और मिरर एम टू है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए देखिए इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना बन रहा है नाइन्टी डिग्री बन रहा है तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए मिरर M1 है मतलब ये वाला मिरर जो है ये मूवेबल है ये ऊपर नीचे मूव कर सकता है इसके पीछे ये देखिए ऊपर एक ब्लैक कलर की दिख रही है एक स्केल लगी हुई है तो डिफरेंट पोजीशन पे हम इसको रख कर हम डिफरेंट रीडिंग्स ले सकते हैं कि फ्रेंजेस हमारी कैसी बन रही है जो मिरर M2 है दैट मीन्स ये वाला जो मिरर है ये मूव नहीं करता बट इसके पीछे दो स्क्रू यहाँ पे लगे होते हैं जिसकी हेल्प है से हम इसको आगे पीछे टेल्ट कर सकते हैं एंगल ऑफ पोजिशन हम चेंज कर सकते हैं बट हम इसको मूव नहीं कर सकते ठीक है इसके अलावा हम दो ग्लास प्लेट प्लेट्स यूज़ करते हैं सीवन एंड सी टू सीवन इज द पार्शली कोटेड ग्लास प्लेट जिसमें हम इसकी लोअर वाली सर्वे यहाँ पे कोटिंग की है उसकी हेल्प से उसकी वजह से क्या होता है कि कुछ पोर्शन लाइट का ये रिफ्लेक्ट करके ऊपर भेज देता है और कुछ पोर्शन को ट्रांसमिट करके आगे पास कर देता है एंड सी टू इज़ द कम्पनसेटरी ग्लास प्लेट चूँकि ये लाइट के पाथ को कम्पनसेट करती है दैट्स वाइट इज कॉल्ड कम्पनसेटरी ग्लास प्लेट ठीक है और ये सबसे नीचे ये यहाँ दिख रहा है दिस, दिस इज अ माइक्रोस्कोप जिसकी हेल्प से हम व्यू देखते हैं कि मैं जो फ्रिंजेस बन रही हूँ कैसे बन रही हूँ उनका ऑब्जर्वेशन हम इस माइक्रोस्कोप की हेल्प से यहाँ पर करते हैं अब हम इसकी प्रोसीजर देखते हैं कि कैसे वर्क करता है तो जैसे ही मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से लाइट आती है आने के बाद क्या होता है वो इसके जैसे ही ग्लास प्लेट में जाती है तो सबसे इसके लोअर वाले पोर्शन में जाती है लोअर वाले पोर्शन में चूँकि हमने कोटिंग कर रखी है इसलिए वो उसका इस लाइट की स्प्लिटिंग हो जाती है यहाँ पर कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट होकर ऊपर चला जाता है कुछ पोर्शन ट्रांसमिट होकर ग्लास सी तक आता है और सी उसको पास करके मिरर एम के पास भेजती है फिर मिरर एम से मतलब यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है और मिरर M2 से मतलब इस वाले ग्लास प्लेट से रिफ्लेक्ट होकर अगेन वापस आती है और यहाँ आने के बाद इनके बीच में कांस्टेंट फेस डिफरेंस क्रिएट हो जाता है क्योंकि अलग अलग पास से ट्रेवल होकर आ रही है और यहाँ आने के बाद यहाँ पे इंटरफेरेंस होता है वो इंटरफेरेंस पैटर्न हमें यहाँ पे माइक्रोस्कोप की हेल्प से दिखाई देता है तो दिस इज़ द होल प्रोसीजर ऑफ़ इंटरफेरेंस कि कैसे माइक्रोस इंटरफेरोमीटर वर्क करता है कैसे लाइट जाती है कैसे उसकी स्प्रेटिंग होती है और कैसे फ्रिंजेस बनती हैं पर हम इसका प्रिंसिपल देखते हैं कि इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है मैंने आप लोग को बच्चों बताया था कि दिस इज अ कम्पनसेटरी ग्लास प्लेट इसको हम कम्पनसेटरी क्यों बोलते हैं सबसे पहले ये देखेंगे तो कंपनसेटरी इसलिए बोलते हैं कि एक लाइट एक रे है जो यहाँ पे ट्रैवल करी है देखिए ये जो रे है जब यहाँ आती थी दो पार्ट्स में स्प्लिट होती है एक पोर्शन इसका ऊपर चला जाता है और एक पोर्शन इसका यहाँ चला जाता है ये जो ऊपर वाली रे जा रही है ये सीवन से आप देखिए कितने बार पास हो रही है एक बार जब इसके अंदर आती है फिर ऊपर जाती है दूसरी बार और जब नीचे आती है तो तीसरी बार थ्री टाइम्स पास होती है और ये वाली जो रे है ये जो आपकी मिरर एम से जाके टकरा रही है अगर हम कंपनसेटरी ग्लास प्लेट ना लगाएं तो ये इसका जो पाथ है वो अगर कम्पनसेटरी ना लगाएं तो ये इस वाली रे से इस वाली ग्लास प्लेट से सिर्फ दो बार पास हो रही है यहाँ आती है तब और जब वापस जाती है तब इसलिए इसको इसके पास को कंपेंसेट करने के लिए क्योंकि जो ऊपर जाने वाली रे है ये ये वापस आके थ्री टाइम्स पास होती है इस प्लेट से इसको कंपनसेट करने के लिए हमने यहाँ पर प्लेट लगा रखी है ताकि ये वाली रे और ये रे दोनों ही रेस का जो पाथ हो कैसा हो बराबर हो इसलिए हमने सेम थिकनेस की C1 और C2 को आप देखिए दोनों की थिकनेस कैसी है सेम है दोनों का मटेरियल सेम है इसलिए हमने इसको यहाँ पे लगाया हुआ है क्योंकि वो सेकेंड वाली रे इस वाली रे के पाथ को कंपनसेट करती है इसलिए हम इसको बोलते हैं कंपनसेटरी ग्लास प्लेट ठीक है इसके और एक और इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसकी वजह से आपका ये इंटरफेरेंस हो रहा है वो इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ये है कि बच्चों जो ये मिरर एम टू है इस मिरर एम टू की जो इमेज है वो मिरर एम वन के इस मिरर के जस्ट नीचे बनती है इसकी इमेज मिरर एम टू की इमेज एम वन के नीचे मतलब ये इमेज यहाँ पर कैसी बन रही है इस पर डिपेंड करता है कि हमारी फ्रिंजेस कैसे बनेगी अगर आपने स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ये वाले ये और ये एक दोनों के परपेंडिकुलर होने चाहिए अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इस मिरर रेम टू की इमेज इसके जस्ट नीचे बनेगी पैलर बनेगी अगर पैलर बनती है तो यहाँ पे जो फ्रिंजेस का जो व्यू होता है जैसे ये नीचे दिखाई दे रहा है आपको ये फ्रिजेस कैसी बनती हैं बच्चों सर्कुलर फ्रिंजेस बनती हैं ठीक है थीके? पर अगर क्योंकि इसमें पीछे स्क्रू लगे हुए हैं इसलिए हम मिरर एम टू को आगे पीछे टिल्ट कर सकते हैं टिल्ट कर सकते हैं मतलब उसकी पोजीशन को या तो ऐसा कर सकते हैं या तो ऐसा कर सकते हैं आगे पीछे मूव नहीं कर सकते अगर आपने उसकी उसको टिल्ट किया उसका एंगल चेंज हुआ पर प, अभी ये परपेंडिकुलर था पर अगर आप टिल्ट करोगे तो वह एंगल कैसा हो जाएगा आपका या तो ऐसा हो जाएगा या तो वो एंगल आपका ऐसा हो जाएगा उस कंडीशन में जो फ्रिजेस यहाँ बनती सॉरी जो वर्चुअल इमेज बनती है वो या तो ऐसी बनती है या फिर वर्चुअल इमेज ऐसी बनती हो वो नहीं बनती है उस कंडीशन में जो फ्रंजेस मिलती है हमें वो हमें कैसी मिलती हैं वेस्ट शेप्ड फ्रिंज मिलती है वेस्ट शेप्ड फ्रिंज आप लोग को पता है बहुत अच्छे से कैसी होती हैं सेमी सर्कुलर या तो ऐसी बनेगी या फिर इस टाइप की वेस्ट शेप्ड फ्रिंजेस बनती हैं ठीक है थीके? तो डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ एम टू की एम टू की पोजीशन कैसी है अगर आपने इसको इतना इस तरह से टिल्ट किया है कि इसकी पोजीशन इस तरह से बन रही है किसकी जो वर्चुअल इमेज है वो कैसी बन रही है कि मिरर एम वन को क्रॉस कर रही है तो उस कंडीशन में जो फ्रिजेस बनेगी बच्चों देखो कैसी बनेगी वो इस टाइप से कुछ बनेगी ठीक है तो ये भी वेप्ट कैटेगरी में ही आती है और अगर आपने मिरर एम वन को इतना नीचे कर दिया है ऊपर नीचे पोजीशन मूव करते टाइम और इसको इस तरह से टिल्ट किया हुआ है कि मिरर एम टू की इमेज मिरर एम वन के जस्ट ऊपर बन रही है मतलब ओवरलैप कर रही है उस कंडीशन में जो फ्रिजेस बनेगी बच्चों वो टोटली डार्क भी होगा आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा टोटली क्या होगा अंधेरा ब्लैक दिखाई देगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली प्रिंसिपल क्या है कि मिरर M1 और M2 की पोजीशन कैसी है अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं उस कंडीशन में आपकी जो वर्चुअल इमेज है मिरर M2 की वो जस्ट नीचे अगर पैलर बन रही है तो आपको ऐसा व्यू दिखाई देगा सर्कुलर फ्रिंजेस का जैसा मैंने आपको यहाँ इमेज में दिखाया है पर अगर इसकी पोजीशन चेंज करते हैं या मिरर रैम टू की और मिरर रैम टू की पोजीशन चेंज से वर्चुअल इमेज की पोजीशन चेंज होती है तो फिर जो फ्रिंजेस हैं या तो वो डार्क एरिया अंधेरा दिखाई देगा या फिर वर्चुअल फ्रंजेस बनाई पड़ेगी तो दिस इज़ द मेन प्रिंसिपल और मेन कॉन्सेप्ट ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर इस तरह से माइकलसन इंटरफेरोमीटर वर्क करता है और इस तरह से उसकी डिफरेंट फ्रिजेस हमें मिलती हैं अलग अलग पोजिशन पर तो ये था बच्चों आपका माइकलसन इंटरफेरोमीटर Thank you, much.